Alright guys, so welcome back. अभी बज रहे हैं शाम के कितने बज रहे हैं? टाइम क्या हो रहा है? 6:11. तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:11 और हम लोग 3 बजे शिमला पहुंच गए थे. हम लोग 12 बजे शिमला पहुंच गए थे और यहाँ पे सीन ऐसा था इसका कि भाई आपको 2 बजे मिलने वाला था रूम. ओके, सो हमने जो रूम बुक किया था पहले से वो अवेलेबल नहीं था. उसके बाद फिर जाके रूम अवेलेबल हुआ, फिर 2-3 रूम उन्होंने दिखाया, तब जाके हमने शिफ्ट वगैरह किया 3 बजे के आसपास. और 3 बजे से लेके जो हम लोग सोए हैं खाना वाना खा के, तो मैं जस्ट अभी उठा हूँ 6:15, 3 घंटे की नींद मारी. बिकॉज मैं कल सुबह उठा था 6 बजे, मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो मैंने सुबह से किया, सुबह से नहीं, सुबह से गया था. और हाँ गाइस, एयरपोर्ट का जो सीन तो मैंने आपको बताना भूल ही गया शायद. मेरी एयरपोर्ट की फ्लाइट थी एग्जैक्टली 2:45 पे इंडिगो की. ओके, मैं 12:30 बजे घर से निकला, मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगा बिकॉज आपको 1:30 भी नहीं, आपको 1:01 तक पहुंचना था एयरपोर्ट पे. क्योंकि अगर मैं लेट हो गया, चेक इन नहीं कर पाया तो दिक्कत होगी, तो मैं फ्लाइट मिस कर जाऊंगा. मैं इतनी हड़बड़ी में आया और मैंने बोला रिक्शे वाले भैया ऐसे भगाओ, मतलब धूम फायर कर दो. 12:40 को मैं घर से निकला, ठीक है, 1:15 पे मैं एयरपोर्ट टच हो चुका था. और मेरा घर है मलाड में, ठीक है, साउथ मलाड में मेरा घर है. और वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूर पड़ता है, काफी दूर पड़ता है. और जैसे उसने गाड़ी भगाई है बंदे ने, भाई मैं तो मतलब धूमफोर में देख चुका था गाड़ी, मैं रिक्शा बैठे बैठे धूमफोर देख चुका था. उतने मेरे पास मैसेज आया इंडिगो का. अब मैं काउंटर पर बात कर रहा था तो मैंने देखा ना कि भाई इंडिगो वालों को क्या मैसेज है. मैं उनसे बात करने लगा कि भाई मेरा टिकट विकट कर दो, जो भी है मेरे को विंडो सीट दे दो या आलतू फालतू चीजें. उतने में वो कहते हैं कि सर फ्लाइट डिले हो गई है. ठीक है, फ्लाइट डिले हुई 2 घंटा, सीधा फ्लाइट डिले हुई 2 घंटा, 2:45 की फ्लाइट डिले होके सीधा चली गई 4 बजे. ओके, 4:30 तक चली गई थी. देन अगेन 15 मिनट में दोबारा एक मैसेज आता है कि भाई आपकी फ्लाइट और 40 मिनट डिले हो गई है. मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फालतू का ऐसे ही घूम रहा था. आपने देखा होगा मैं अभी सारी चीजें दिखा रहा था एयरपोर्ट पे क्या क्या चीजें हैं. हालांकि मैं वो सब चीजें देख चुका हूँ, मैं पिछले कई महीनों से सालों से वो चीजें देखते आ रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत ट्रैवल किया है. सो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एयरपोर्ट ही दिखा देता हूँ सारे को. मैं इतना टाइम बस फ्री बैठा था वहाँ पे. ओके, तब जाके फिर हम लोग यहाँ पहुंचे आज मॉर्निंग के 12:30 तक पहुंचे फिर हम लोग यहाँ पे. जो सोलन का जो रास्ता है ना, मुझे पर्सनली सोलन वाला जो रास्ता है शिमला आते मुझे सोलन लगता है, छोटा सा रास्ता है, ठीक है, तो 2-way रास्ता है आने जाने के लिए, सब अलग अलग चीज है. एंड जो सीन है, जो व्यू है, ठीक है, बहुत अच्छा है. सिटी के बीच में से आप निकलते हो, राइट साइड देखोगे तो पूरा मतलब खाई वगैरह है, पूरा माउंटेन्स है, अच्छा व्यू है, फुल सीनरी है. एंड लेफ्ट साइड में पूरी सिटी बसती है, बहुत अच्छा लगेगा आपको. पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है. ओके, अब देखते हैं, फ्रेश फ्रेश हो गए थोड़ा सा, शाम में बाहर क्या करना है, जाना भी है नहीं भी जाना है, जो भी है जैसा भी है देख के आपको बताते हैं. ओके, तो ये था गाइस क्विक अपडेट. अभी मैं आपको मिलता सीधा फ्रेश होने. ओके चलो, हे गाइस वेलकम बैक. सो अभी बज चुके हैं शाम के 9:30 और हम लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए. मैंने नहावा लिया, फ्रेश फ्रेश हो गया हम लोग. फेस पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं आ रही मुझे पता है, बट खैर कोई बात नहीं. अभी फटाफट हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए, बिकॉज ऐसा सुनने में आया है कि 10 बजे यहाँ पे सारी चीजें बंद हो जाती है. आई एम नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, तो मुझे अच्छे से आइडिया नहीं. तो अभी हम निकलते हैं और रास्ते में जो भी चीजें देख रहा हूँ या कर रहा हूँ मैं आपको कैमरे में दिखा सकूँ. ओके, तो फिलहाल के लिए फटाफट चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाहर की स्ट्रीट्स. ओके, लेट्स गो. जैसे कि आपने बताया 10 बजे यहाँ पे सारी चीजें बंद हो जाती हैं. सो अभी हम लोग निकले, सब यहाँ पे और अच्छे से खाए नहीं तो मुझे इतने अच्छे लगते नहीं है. लग गए भाई हमारे. तो देखो गाइस, फाइनल अपडेट अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइमिंग है ऑर्डर का 10:15 और हम लोग निकले 9:15 के आसपास हम लोग निकले थे. और वहां से लेके जो आपने दिखाया मैंने आपको भी, वहां से लेके पूरा वहां तक एक रेस्टोरेंट है, हम लोग पूरा घूम के आ गए. खचा खच भरा हुआ है, सब भरा हुआ है. और अभी वहाँ पे हमारा एक लॉन्ड है, देसी फूड लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से पार्सल लेंगे, फिर हम लोग होटल जाएंगे. होटल में इन रूम डाइनिंग है, वहां से फिर हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे. देन फिर हम लोग शांति से बैठ के रूम में बैठ के खाएंगे, बिकॉज कुछ ना मिलने से बेटर कुछ ले लेते हैं. एंड देन फिर हम लोग चलते रूम में. ये
ये पार्सल ले लिया है। एक फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट हो गया, सेकंड स्टेप इज द इंडियन पैनिंग। नाउ मुझे आपको एक चीज बतानी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पूरे दाम नहीं डाले, अन्यथा पकड़े जाने पर रुपये 5,000 तक का जुर्माना किया जाए। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग कहीं भी आते रहते हैं और जुर्माने की जगह है ना, जुर्माना नहीं होता उसकी जगह होती है कॉन्ट्रोवर्सीज। Check the mic and make sure it sound right, boys. Welcome back, guys. So, अभी मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है 10:30, 11:30 समथिंग कुछ हो गया टाइम। एनीवेज, जो खाने वाला सीन था, खाना वाना सब हो गया हमारा। आज का फर्स्ट डे था हमारा शिमला में, एंड का दिन सिर्फ और सिर्फ हमारा सोने में, ट्रैवल करने में, खाना खाने में इतने में ही गया है। अभी भी अगर आप देखोगे मेरा जो सामान है वो ऐसा का है, तो जो रेड वाला बैग है वो मेरा सामान है और ये मेरे कपड़े, बाकी ये मेरा नहीं है। सो अब ये देखोगे तो मैंने अभी देख के मेरा अनपैक तक नहीं किया कुछ भी सामान मैंने, ये पूरा वॉर्डरोब जो है वो ऐसा करके पड़ा हुआ है, एकदम अच्छे रहते कपड़े, उस पर लाइन वाइन नहीं आती बिल्कुल भी। सो भैया गाइस, आज के लिए इतना ही। आज का दिन काफी सही था, अच्छी सी मसाज मिल जाए और एक मस्त नींद आ जाए, कुछ भी बोलो गाइस। मिलते बहुत जल्दी कल के दिन के लिए कल के ब्लॉग के साथ। ठीक है गाइस, लव यू ऑल। जाने से पहले गाइस लाइक बटन दबा देना। ये लोग घर पे ज्यादा रहता हूँ, स्ट्रीमिंग करते रहता हूँ, गेम खेलते रहता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग करने का। हमने दुबई ब्लॉग किया था, हमने बहुत सारे ब्लॉग किए, एंड अभी हम शिमला में, तो फर्स्ट टाइम मैं शिमला ब्लॉग भी कर रहा हूँ। सो यार गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी स्ट्रीम, अरे यार मेरी बात प्रति स्ट्रीम बोल लेगी। एनीवेज, तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो लाइक बटन दबा दो, और ये हमारा सेकंड चैनल है, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए इसको जितना आपने मुझे मेरे मेन चैनल पर प्यार दिखाया है। आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दो उसे भी कभी, और मिलते हैं। बाय बाय। कहाँ कहाँ पकड़ना पड़ रहा है कैमरा यार, जोड़ के लिए पैक किया। एनीवेज गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह उठ के ही सबसे पहली चीज ग्रीन टी पीने का, ठीक है। और हाँ, मैं ग्रीन टी में कुछ और चीज़ें भी ऐड करता हूँ, दैट इज हल्दी। वैसे ये बॉक्स है रेड पेपर पाउडर का, चिली वो था ना, चिली पेपर, उसका ये बॉक्स है। लेकिन उस बॉक्स में मेरी मॉम ने हल्दी डाल के दिया मुझे, बताओ। खैर कोई बात नहीं, अब जो चीज़ है वो चीज़ है, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे हम लोग इसमें। ओ फक, वो बहुत ज़्यादा गिर गई, कोई बात नहीं गाइस। हल्दी ऐसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, अच्छी समझ के पी लेंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ, कभी ट्राई करना ये चीज़। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वाली ग्रीन टी है। मैं पीता हूँ याली, गिरनार डिटॉक्स, देसी कावा ग्रीन टी, पता नहीं कावा कावा क्या रहता है, काढ़ा या आई डोंट नो क्या सीन है, बट ये ग्रीन टी गाइस बेस्ट है। इसमें लाइक फुल फ्लेवर, मसाला, वो सारी चीज़ें होती है इसमें, फुल टेस्ट है, वो अच्छा टेस्ट होता है। और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो, और पानी बहुत गर्म होना चाहिए। ना मेरा पानी गर्म हुआ तो है, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, बट हाँ यहाँ पे ठंड है, और वेदर भी मेरे ख्याल से, सॉरी टेम्परेचर भी मेरे ख्याल से कुछ 16-17 समथिंग कुछ है मॉर्निंग में, तो या हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत अच्छी खासी। लोग वॉक भी कर रहे हैं, ये देखो कुछ लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग अभी यहाँ से वॉक करते हुए वो ये जा रहे हैं वॉक करते हुए लोग सुबह सुबह, भाई साहब काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू मैन। और हाँ, मैं आपको पीछे का भी सीन दिखाता हूँ। आया तो अकेला था शिमला में, लेकिन मेरे साथ क्रॉन्टन आ गया। और क्रॉन्टन क्या हाल है? ना
किया है भागो यहाँ से भाई भाई तो मैं घट रहा है मेरी भाई सब यहाँ बैठ गया एनीवेज चलो भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है कॉन्टेंट से आज के बाद नो मोर कॉन्टैक्ट गॉड एल नूब गया चलो सही है बस क्या करना देखो तुम्हारे भाई की बच्चा है Hey guys, welcome back to the day two. और सबसे पहली बात तो गाइज आप लोग मुझे पिछले दो दिन से नहीं आई थिंक पिछले एक दिन से आप एक ही कपड़ों में देख रहे हो ग्रीन ट्राउजर ग्रीन टी शर्ट बेचारे से गरीब से आपको मैंने कल बताया था ट्रस्ट मी मेरा जो बैग है वो मैंने अभी तक ये ओपन नहीं किया वो ऐसा ही पड़ा हुआ है जब मैं उसको अनपैक करूंगा तब जाके मेरे पास कपड़े आएंगे और मैं जस्ट अभी नींद से उठाऊँ एज कम्पेयर करेंगे तो घूमने फिरने में कल का दिन एक्टिव था हमारा स्नैप स्टोरीज वगैरह बना रहे थे सो कल कुछ शिमला की इनसाइड हमने बिल्कुल नहीं घूमा बट यार कल नींद बहुत अच्छी आई अभी जस्ट मैं उठाऊँ और आप देख ही सकते हो ब्रश भी नहीं किया मैंने तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार ऐसा नहीं कि लाइक आप बोलोगे यार ये तो कैसा लग रहा है सच बात है भाई मैंने ब्रश भी नहीं किया मैं सुबह उठते से ही आ गया आज सेकंड डे है तो सेकंड थोड़ा सोचा एक काम करता हूँ सुबह उठ गया हूँ तो दिन की शुरुआत कर लेते हैं आज के ब्लॉग की सो मैं पहले नीचे चेक किया तो नीचे हमें क्रॉन्टन भाई साहब मिल गए हमारे मेरा भाई मिल गया तो उसको मैंने भगा दिया पहले जा नहीं रहा था बट मैं सोचा चलो एक काम करता हूँ गॉडल ओपी बोल देता हूँ जैसे उसको मैंने गॉडल ओपी बोला ना वो मेरे को देखा चलेगा चुपचाप कुछ किया नहीं उसने वरना कुछ नहीं वो होते रहता है कोई इशू नहीं है भाई अपना कॉन्टेंट बट देखते हैं जब मेरे सारे दोस्तों उठ जाएंगे शिवम अभिषेक जिसके साथ मैं आया हूँ अभी अगर वो लोग उठ जाएंगे तो मे बी हम लोग शायद कहीं बाहर जा सकते हैं बट हाँ गाइस एक चीज बोलनी पड़ेगी भाई टेम्परेचर यहाँ पे गाइस 14 डिग्री सेल्सियस आई डोंट नो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा अच्छा 19 डिग्री सेल्सियस है सुबह 14 था 7 बजे भी 19 डिग्री सेल्सियस हो गया है बहुत कड़कती धूप है मुंबई में सेम ये टेम्परेचर अगर होता ना मस्त ठंडी हवा चलते रहती है अब वो अलग वेदर है मुंबई का एनीवेज गाइस लेट्स गो गेट फ्रेश अप एंड मैं आपको मिलता हूँ सीधा ब्रेकफास्ट के बाद अभी जब हम शायद बाहर जाएंगे तो हम ब्लॉक करेंगे ओके चलो चलते हैं भीड़ क्यों नहीं है आज आज रात में मच्छर तो खतरा की भीड़ होने वाली है वही है वो आसिम लेके चलने में फोन में क्या क्या है ये क्या है ये आइसक्रीम है ना चॉको क्रंच जो नाम है ये तीनों यही है फ्रेश वाले देना कोई से जब आप स्ट्रेट आते हो थोड़ी बहुत खाने वाने की दुकान है ठीक है वहाँ से आपको चढ़ के ऊपर जाना है ऊपर से बैठे हुए हम चढ़ के जा रहे हैं ओके तो ये वो स्थल है जहाँ पर आप चढ़ जाते हो ऊपर साइड में एंड लास्ट थिंग ये देखो हम ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारी ग्रह पटरी है तो फक जब ऊपर आते हो ये पूरा व्यू है चर्च की एंट्री हो रही है वहाँ से डायरेक्ट चर्च जा सकते हो ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है बट वहाँ पे ऊपर लोग बैठे हुए अबे आपका चांद दिख रहा है आपका चांद को बताओ साइड में बाकी तो ये पूरा है ये आपको ने राइट साइड दिखाया था ये लेफ्ट साइड दिखा दिया Alright, so let's go for the view. जब आप यहाँ पे आते हो सबसे बेस्ट चीज़ जो आपको देखने मिलेगी वो रहेगी ये व्यू एंड खैर आप तो यहाँ पे नहीं फील नहीं कर पाओगे बट कोई नहीं मैं हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ का व्यू कैसा है मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा मुझे और कैसे आपने व्यू देख लिया होगा अच्छे से मैं कुछ एंड देन अगेन वो सिटी वो साइड में तो वहाँ पे सिटी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत सिटी है मेरे ख्याल से लाइक कुछ बोर्डिंग स्कूल्स है एंड फोटो शूट हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे पर प्रेशर आता है तो सारा परिवार ही दुखी हो जाता है सही बात है बिल्कुल सही बात है अभी उनके पास कैमरा भी नहीं है मेरा कैमरा लो फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा कैमरा ले लो टाइम पास टीवी ओ यार
सो जिन लोगों को हॉर्स राइडिंग की बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं उसे यार, हॉर्स राइडिंग की शौक हाँ, तो जिन लोगों को हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है वो लोग अपना शौक पूरा कर सकते हैं। ऑफकोर्स मुझे इतना पसंद नहीं हॉर्स राइडिंग और करना, तो ये कि मैं किसी जानवर को ऐसा देख नहीं सकता उसके ऊपर बैठना है, ये वो चीज़ें लाइक वो मेरा खुद का पर्सनल गोइंग अगेन डाउन साइड। यहाँ फिर आपको वो चीज़ें देखने मिलेगी लाइक जितनी भी इंटी फूड की दुकानें होती है, ये सारी सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें यहाँ पे हैं, देन ऐसे बैंगल्स एंड ऑल लड़कियों का सामान जो अगर आप लगा रहे हो एंड आपके साथ अगर लड़कियाँ हैं सो फ्रॉम देयर यू कैन बाय। ये देखो बच्चों का सामान, वेइंग मशीन, मैंने चीज नोटिस की यहाँ पे वेइंग मशीन बहुत ज्यादा है ना, जिसको देखो उसको लाइक अपना मुझे लोग वो कर रहे हैं, बच्चे ने पैसा लगाया, बच्चे ने पैसा लगाया, बच्चे ने भैया बिग फैन। अरे आराम से घूमने आ गए आप भी? हाँ जी। कहाँ से? पंजाब से। अरे सही है, आप कर रहे हैं जॉब की फैमिली के साथ, मिल गया था ठीक है। क्या कर रहे हैं, मास्क ऑफ किधर है आपका? मास्क, तो मास्क पहनो ना, मास्क पहनो, कोई नहीं मास्क पहनो, मास्क पहनो। ओए मानशो, छोटी बच्ची, व्हाट्स अप डूइंग देयर? सीताराम मौसम आई नो उनका फूड कैसा भी था, मैंने सुना है कि खाना काफ़ी अच्छा है उनका, तो लेट्स गो इन टेस्ट, देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद, जो मैं मुझे पानी चाहिए। और गए हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब थी बहुत ज़्यादा ही छाव, अब मैंने कह चुकी है खतरनाक लेवल की धूप है, देख सकते हैं धूप है अभी। अरे माफी आप ढाई बज गया तो लगा कि भाई यहाँ पे हम मॉर्निंग में निकले 11-12 बजे। बड़े वाले को भी अच्छे लगते ना, आवाज आएगा तेरे को मत कर। भैया जी भुट्टे आप खेत से लाते हो, खेत से घर के लाते हो? खेत से लाते हो? भुट्टे की खेती, बस भुट्टे की खेती होती होगी और भी करते हो? और भी होती है, और भी होती है। आप 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 भुट्टे ही करते हो बाकी? हाँ भुट्टे भी करते हैं, बाकी धान गेहूँ। अच्छा, सरसों हो गया, सरसों तो खैर बहुत सही, सब्जी वगैरह सब कुछ करते हैं, मतलब घर के लिए भी। सही है यार, बढ़िया है। तो ये वाला सेक तो, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला सेक, यही दे यही दे। अरे तुम डिसाइड करो पहले, तुम्हें लंबा वाला भुट्टा पसंद है या छोटा वाला भुट्टा पसंद है? कोई भी कीड़ा वाला भुट्टे घूमने आते, जो लोग इंडिया के बाहर से हो गए जो लोग स्ट्रीम देखते हैं आते रहते हैं, जैसे दुबई है काफी लोग, दुबई मिलता है क्या भुट्टा? बेबी कॉर्न मिलता है, बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न तो यार अच्छी वाली चीज़ है। क्या भुट्टा नहीं है? मुझे वही खाना, वो खाना भुट्टा। तुम्हारे पास भुट्टा है, हमारे पास हमसे खुश है भाई। तो गाइस मैं कह रहा था कि जब अगर आप इंडिया के बाहर के हो और आप अगर इंडिया आ रहे हो किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में घूमने के लिए, वहाँ ट्राई करो भुट्टा अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये कॉर्न बेसिकली, इसको आप ये बेस्ट तरीका भुट्टा सेकने का है कि नहीं भैया जी? ये बढ़िया तरीका भुट्टा सेकने का, कोई लेके अपना रोजी रोटी भी चल रहा है सर। बिल्कुल सही बोला आपने, सबके साथ मतलब आना जाना, हाँ रेट मुलाकात हो रहा है, हाँ ये तो बहुत सही है। आप साल भर दुकान लगाते हो कि नहीं? सर्दी वर्गी होती है कुछ लोग होते हैं, सिर्फ नमक लगाते हैं और नींबू मिक्स होता है, मिक्स होता है ना उसमें, इसमें काला नमक, काला नमक मिक्स होता है, खाना दाओ जी दो बुट्टा देना। सही बात है जी सर। भाई मुझे एक चीज़ आप सच सच बताओ, ठीक है शिवम भाई, एक चीज़ सच सच बताओ, ये आपने बचपन में कितना खाया है? बचपन की बात हो रही है यहाँ पे, ये बड़े होने की बात नहीं हो रही, बचपन की बात हो रही है। बचपन में मैंने इतना खाया ना भाई, इतना खाया मतलब पता है, इसमें अलग अलग वो भी आते थे अलग अलग कलर के फ्लेवर, अलग अलग कलर के। पहले मुझे पता नहीं होता था कि आप इसको बनाते कैसे हो, ठीक है? मैं मशीन, गोल मशीन होती है, हाँ तो मैं भाई मुझे डर लग रहा है। मैं एक दिन जैसे शादी में गया और शादी में मैं खड़ा था, वहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, कहीं पे कुछ था कहीं पे कुछ था, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े से गोल, इसमें ना क्या कहते हैं इसको, वो बोलते हैं ना बुड्ढी के बाल, बुड्ढी के बाल, वो हाँ गुड़िया बुढ़िया जो भी बोलते हैं उसके बाल, वो ऐसे गोल गोल बनाते थे, ऊपर गोल गोल हो रहे थे, गोल गोल हो रहे थे, और उसने फटाक से निकाल के गोल रपेट करके दे दिया, और मुझे पता ही नहीं था कि भाई वो बंदे कैसे। आप अगर आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, शिमला में मॉल रोड वगैरह पे, फाउंडर ऑफ हिमाचल डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हाँ सर मैं कह रहा था अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं ना, लेकिन आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो अगर आप ऊपर आ रहे हो तो विजिट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट चीज़ देखने मिलेगी। दैट इज ये देखो, एक बहुत ही बड़ा फ्लैग है। क्या हाल है भाई? नहीं यार आपने गलत सोचा। तो
मास्क वास्क पहनो, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे दिक्कत हो जाएगी, और जब दिक्कत होगी तो दिक्कत बहुत खतरनाक तरीके से बाहर निकलेगी। ओके और ये देखो सीधा भागी जो पीछे। And again, जब आप यहाँ घूमते रहोगे तो आपको साइबर साइड पीछे देखने मिलेगा तो सही, बट yep, you will never miss the awesome view जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और हमारे पुलिस भाई साहब लोग मेरी सो गाइस, ये हम पहले उस साइड में हम लोग वो कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, अभी नीचे आ गए। तो आपको वहाँ से नीचे आना पड़ेगा। एंड यहाँ से ये लाइक कुछ बिल्डिंग है जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, बहुत दिक्कत है भाई। मैं भी कह रहा हूँ सॉरी, मैंने ब्लॉगिंग का सीन तो बहुत ही करा वहाँ पे। और भाई एक एक ड्रेसेज मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग घूम रखोगे यहाँ पे ऐसी, तो ऐसी ही हमारी घूसर करी हनुमान जी की लगी मुझे। हाँ रोप वे भी जा रहा है यार, भाई मुझे भी नहीं खाना, भटूरा खाऊंगा मैं रशिया में। ओके सो ये एक स्वर्णिम हिमाचल बनाया, 50th ग्लोरियस ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओ भाई आपको जो शॉप चाहिए वो शॉप मिल जाएगी यहाँ पे, लाइक मोबाइल की शॉप्स है, चिपको इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि हमारी घर में आने के लिए कुछ दिन शांति से कोने में खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम शांति से यहाँ पे खड़े हैं। व्हाट इज दिस कुरकेज? कुरकेज कुछ स्पेशलिटी है यार, जो भी चीज है मुझे पता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर वो क्या कहते हैं उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे कॉपीराइट पड़े हुए हैं, शिवम को तो पता ही है। हट गया वैसे दोस्तों का, एक से कैमरा फ्रेम थोड़ा सा। और गाइस तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, मैंने कुछ खाने के लिए लाया था। कैसा है अभिषेक भाई, टेस्ट बढ़िया है? हाँ इतना मसालेदार भाई, मैं वही बात कर रहा था गाइस अभी आप लोगों से कि अरे यार ये बेंच फिर लोग देखते रहते हैं नीचे से ऊपर आने वाले, नहीं रखते इसको। हाँ सो मैं वही बात कर रहा था, देखो मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं या इवन महाराष्ट्र के आसपास एकदम चिपक चिपक के जो छोटे मोटे स्टेट्स है वहाँ के भी अगर लोग है ना, मतलब मैं हूँ महाराष्ट्रीय फैमिली से, अपन है मराठा, ठीक है। दूसरी चीज हमें पसंद है भाई बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कि मतलब तुम्हारे मुंह और हर जगह से आग निकल रही, ठीक है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर भाई, बाद में बताऊंगा छोड़ो। हाँ तो सो बट हाँ स्पाइसी खाना, मतलब ऐसा खाना जिससे आप ऐसे करो ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, आप जा आप काम करो, आप काम करो, ऐसा वाला थोड़ा सा लाइक फुल एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फील आ जाए। तो अब जब यहाँ पे मैंने खाना टेस्ट किया ना, वो खाना ऐसा था कि चटपटा स्वाद था और थोड़ा फीका फीका टेस्ट था। बट में आओगे महाराष्ट्र में तो आपको वहाँ स्पाइसी खाना मिलेगा, बहुत सी वैरायटीज है। बार भी नहीं गया हूँ, मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, मुझे बहुत शौक है नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने का। जितना भी लाइक आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ का फूड का टेस्ट कैसा है मुझे वो भी एक्सप्लोर करना है। गुजरात का टेस्ट कैसा है बे? मीठा? फिर यार गुजरात का खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब मीठा खाना मुझे स्वीट स्वीट डिश जो होती है ना, मैं डेजर्ट्स खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मीठा खाना नहीं पसंद करूंगा। गाजर का हलवा खा लूंगा बट लगता नहीं, क्योंकि हमें गेंडे के साथ आए और वो गेंड लाके चलना नहीं चाहता, तो हम लोग शायद कहीं कुछ प्लान कर नहीं पाएंगे। और हाँ दिन भी कम है हमारे पास, अभी हम तो कल जा रहे हैं ना। हाँ हम कल जा रहे हैं, सोच तो रहे कि एक नाइट चंडीगढ़ में रुके है ना, क्योंकि वहाँ खाना बहुत सही सुनने में आया, वहाँ खाना बहुत अच्छा है चंडीगढ़ का। सो चंडीगढ़ हम रुक सकते हैं, मिलते हैं। Love you, Chandigarh. Guys, so आज हमारा day second और आज हमने इतना कुछ खास नहीं किया। देखो ये भी नहीं पता कि आप शिमला में और क्या कर सकते हैं, मतलब like trekking and all वो सारी चीजें। बढ़िया guys, आज है day second and आज यही पे हम end करते हैं शिमला day second vlog को। उल्टा यहाँ पे गाइस चीजें ऐसी हो रही है, एक तो हम पहाड़ पे है, ठीक है, पहाड़ पे नेटवर्क बहुत बहुत दिक्कत दे रहा है झाड़ों की वजह से। नेटवर्क लाइक लिटरली 1% वो जो एक जो एक दो तीन चार डंडियां होती है नेटवर्क की, वो मेरी एक डंडी है सिर्फ, एक लाइन। ना तो मैं फेसबुक यूज कर पा रहा हूँ, ना मैं स्नैपचैट यूज कर पा रहा हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम यूज कर पा रहा हूँ। सो मैंने सोचा कि भाई क्या करे फिर, अब ना तो वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है नेटवर्क नहीं है। सो देखते हैं कल मेरे में शायद कुछ आसपास कैफे होगा तो कैफे चेक करता हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने शुरुआत से लेकर तक सारा वीडियो देखा।
देखा सारी चीजें देखा। आई नो शिमला में बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट मैं लिटरली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, यहाँ गया, वहाँ गया, घूमा। बट स्टिल गाइस ट्रस्ट मी, मैं लिटरली पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं सब चीजें वो कर रहा हूँ। और पता है यहाँ पे ना, जब आप कैमरा यूज करते हो ना, तो भाई लोग ऐसे देखते ना चेहरे को कि मतलब आपके हाथ में ना एक वेपन है और आप उस वेपन से किसी को मारने जा रहे हो। लिटरली ऐसा सीन हो रहा था। उसमें भी बहुत से सब्सक्राइबर्स भाई लोग मिले मुझे, कुछ लड़कियां मिली जो सब्सक्राइबर्स थी, जो क्या कहते हैं, हम लोगों ने फोटोज क्लिक किया, लड़के मिले, भाई लोग मिले, बहुत मजा आया। से अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, व्लॉग देख रहे हो, तो यार थैंक यू सो मच, जरूर कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली चेक, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके तो चलो गाइस यहीं पे खत्म करते हैं आज का शिमला डे 2 व्लॉग। एंड गाइस ख्याल रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, पीस आउट। जाने से पहले गाइस ये देखो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर, ये सब्सक्राइब पता नहीं, को नहीं पता गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू गाइस, बाय।